इस मानवीय सभ्यता के इतिहास में अंजनी पुत्र हनुमान जैसा व्यक्तित्व दूसरा नहीं हो सका। हनुमान यानी शक्ति, हनुमान यानी बुद्धि, हनुमान यानी युक्ति, हनुमान यानी प्रत्युत्पन्न मति, हनुमान यानी समर्पण, हनुमान यानी दास्य भाव से देवत्व की यात्रा, हनुमान यानी अटूट विश्वास, हनुमान यानी भक्त और भगवान का एक रूप हो जाना। हनुमान पर विचार करते हुए हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। जिन हनुमान को ध्यानधर स्वयं रघुवीर भरत से कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाहीं, उन हनुमान से भला हम कैसे उरिन हो जाएं। हनुमान में कैसी विराट शक्ति है, किंतु कैसी विनम्रता है। अपनी विनम्रता और दास्य भाव से वह राम के अनुचर रहते हैं और राम उन्हें अपना समकक्ष मानते हैं, हृदय से लगाते हैं। यहाँ हनुमान स्वयं को इतना उठाते हैं कि संपूर्ण सनातनी समाज उनके आगे झुक जाता है। हनुमान धर्म से धर्म को जोड़ने वाले सेतु हैं। हनुमान से उज्ज्वल, धवल और सकारात्मक शक्ति कोई नहीं। हनुमान का स्मरण ही रोग मुक्ति है। हनुमान प्राणवायु हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में निराला लिखते हैं, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। यानी जब रावण सौमित्र और जाम्बवान जैसे महावीरों को पराजित कर देता है तब समुद्र क्षुब्ध होकर गरज उठता है, लेकिन केवल हनुमान में ही प्रबोधनी शक्ति रह जाती है। ऐसे हनुमान को सौ सौ बार प्रणाम। संकट काल से त्राण दिलाने वाले हनुमान जी की जय हो।